बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने इंस्टीट्यूट अज़ीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स की जानिब से वेलकम कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश सिनोनिम्स के बारे में है। आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो एस के नाम से है, AICE के नाम से है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज जो अज़ीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से है, उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और मुफीद वीडियोस मिलती रहें। दिए गए एड्रेस पे हमसे रابطہ भी किया जा सकता है, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की जानिब। डायरेक्शंस वही हैं जी जो पिछले लेक्चर्स में बताई हैं आपको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो लफ्ज़ आपको दिया गया है उसके मुताबिक आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है लफ्ज़ मीनिंग के एतबार से आपने उसको क्या करना है, टिक करना होता है, उसको आपने सेलेक्ट करना होता है, वही आपका जवाब होता है। तो अब हम आते हैं कि अल्फाज कौन से हैं आज के हमारे लेक्चर के। पहले लफ्ज़ है जी डिप्लीट। डिप्लीट जो होता है इसका मानी होता है घटा देना, ख़त्म करना, माल कम कर देना, खाली करना, खर्च कर डालना। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए में है जी डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना। फिनिश, फिनिश का मतलब होता है मुकम्मल होना। एग्जास्ट जिसका मतलब होता है खाली करना, ख़त्म करना, खर्च कर देना, कमी आ जाना, घटा देना। और डी में हमें दिया गया जी वैनिश। वैनिश का मतलब होता है मिट जाना, गायब होना, मादूम होना। तो जो डिप्लीट है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सी में दिया गया लफ्ज़ एग्जास्ट बनेगा जी। उसके बाद है जी अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट जो है इसका मतलब होता है बंटवारा, तकसीम, हिस्सा, तस्खीस। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं जी ए में है जी अलाटमेंट। अलाटमेंट का मतलब होता है तकसीम, हिस्सा, बंटवारा, तख़सीस। उसके बाद है बेस्टोवल। बेस्टोवल का मतलब होता है अतिया, करम, नवाजिश। सी में हमें दिया गया है जी डिलीवरी, इसका मतलब होता है सुपुर्दगी, हवालगी। और डी में हमें दिया गया है जी प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब होता है पेशकश, नुमाइश, बख्शिश, अता, नज़र, नजराना, ये सारे प्रेजेंटेशन के मानी होते हैं। तो अपोर्शनमेंट जो है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो ए में दिया गया लफ्ज़ अलाटमेंट बनेगा। आगे चलते हैं जी, लफ्ज़ है डियर। डियर का मतलब होता है महंगा। डियर का मतलब अज़ीज़, प्यारा, दिल को भाने वाला, मनपसंद। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए में दिया गया है जी ड्यू। ड्यू का मतलब होता है वाजिबुल अदा। ड्यू का मतलब माकूल भी होता है। बी में हमें दिया गया जी क्लोज। क्लोज का मतलब होता है जी करीब। क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है। उसके अलावा जी सी में हमें दिया गया है कास्टली, जिसका मतलब होता है कीमती, महंगा। और डी में हमें दिया गया जी यंग। यंग का मतलब होता है नौजवान। सॉरी। तो डियर का जो सिनोनिम बनेगा जी वो सी में दिया गया ऑप्शन कॉस्टली बनेगा। आगे है जी प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशगोई करना, पेशीन गोई करना। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं जी ए में है जी एक्सप्लेन, जिसका मतलब होता है वजाहत करना। बी में है फोरटेल,
इसका मतलब होता है पेश गोई करना, पेशीन गोई करना। सी में हमें दिया गया एसर्ट, जिसका मतलब होता है वसूख से कहना। और डी में हमें दिया गया ऑब्जर्व, जिसका मतलब होता है मुशाहिदा करना। तो जो प्रिडिक्ट है इसका जो सिनोनिम है वो बी में दिया गया ऑप्शन फोर टेल बनेगा जी। आगे चलते हैं जी, यह लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब होता है मज़े का खेज, कह कहा आवर, मजाहिया, फजूल। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं जी, ए में दिया गया जी एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है फजूल, मज़े का खेज, मजाहिया, बेहुदा भी इसका मानी होता है। बी में दिया गया जी क्लियर, क्लियर का मतलब होता है वाज़े, साफ। सी में हमें दिया गया जी सिंपल, सिंपल का मतलब होता है जी सादा। डी में हमें ऑप्शन दिया गया जी डिसमल, डिसमल का मतलब होता है मायूस, उदास, गमगीन, रंजीदा, डरावना, भयानक। तो जो लुडिक्रस है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो ए में दिया गया ऑप्शन एब्सर्ड बनेगा जी। आगे चलते हैं जी, और लफ्ज़ है जी नेमिसस। नेमिसस का मतलब होता है सज़ा, पादाश। इसके लिए जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो ए में दिया गया जी विक्ट्री, इसका मतलब होता है फतह। बी में है एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है जान जोखिम में डालना। एडवेंचर का मतलब मुहिम भी होता है, वाकिया भी होता है, सानिहा भी होता है। सी में हमें दिया गया है रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, सिला। डी में हमें ऑप्शन दिया गया है पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा। तो जो नेमिसस है, नेमिसस का जो सिनोनिम बनेगा वो डी में दिया गया ऑप्शन पनिशमेंट बनेगा। उसके बाद जी इसको लेदल भी पढ़ते हैं, लीथल भी पढ़ते हैं। तो इसका मानी होता है मोहलिक, मुजर, ज़रर रसां, जानलेवा, कातिल भी इसका मानी होता है। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए में दिया गया जी ड्रियरी, ड्रियरी का मतलब होता है बेलुत्फ, बेकैफ, उदास, अफसुरदा। बी में हमें ऑप्शन दिया गया है ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है ड्राउना, भयानक, खौफनाक। सी में हमें दिया गया है जी डेडली, डेडली का मतलब होता है मोहलिक, जानलेवा। और सी में दिया गया है, डी में हमें दिया गया है स्ट्रेंज, जिसका मतलब अजीब होता है, अनोखा होता है, निराला होता है, और अजनबी भी इसका मानी होता है। तो जो लीथल है जी इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सी में दिया गया ऑप्शन डेडली बनेगा। उसके बाद है जी गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब होता है शतरंज की चाल, या सिर्फ चाल भी कह सकते हैं, साजिश भी इसका मानी हो सकता है जी। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो ए में दिया गया है जी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है तासुर, एक्सप्रेशन का मतलब इजहार होता है। तो जो बी में हमें ऑप्शन दिया गया वो है ट्रिक, जिसका मतलब होता है चाल, साजिश, सोबदाबाजी भी इसका मानी होता है। सी में जो हमें दिया गया वो है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है वजाहत। डी में हमें दिया गया अपील, जिसका मतलब होता है इल्तजा, दरख्वास्त, अपील। तो जो गैम्बिट है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बी में दिया गया ऑप्शन ट्रिक बनेगा जी। उसके बाद जी फैड, फैड का मतलब होता है आर्जी अंदाज, फैशन, पसंद। ये फैड के मानी हैं। ए में दिया गया जी चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है सखावत, फियाजी। बी में हमें दिया गया वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी, खामी। सी में हमें दिया गया फैशन, जिसका मतलब होता है फैशन, जो चीज़ राइज हो चुकी हो,
वक्ती तौर पर, और डी में दिया गया है जी फॉली। फॉली का मतलब होता है हिमाकत, बेवकूफ़ी। तो जो फैड है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सी में दिया गया ऑप्शन फैशन बनेगा। उसके बाद है जी बाउडलराइज। बाउडलराइज जो है इसका मानी होता है फोश इबारत का इखराज, फोश इबारत को निकाल देना, गैर मियारी चीज़ों को निकाल देना। तो इसके जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए में है जी डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है लिखवाना, हुक्म देना, हिदायत देना। बी में है जी परसुएड, जिसका मतलब होता है उकसाना, तरगीब देना। सी में ऑप्शन है जी कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है परेशान करना, दरहम बरहम करना। डी में हमें दिया गया है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है फोहश इबारत का निकाल देना, पाबंदी लगाना, मलामत करने वाला, मोहतसिब, नुक्ता चीं, ये सेंसर के मानी बनते हैं। तो जो बाउडलराइज है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो डी में दिया गया ऑप्शन सेंसर बनेगा जी। आगे चलते हैं जी। लफ्ज़ है इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है ला महदूद, ला मुतनाही, ना ख़त्म होने वाला। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए में है जी स्ट्रेंज, जिसका मतलब होता है अजीब, अनोखा, अजनबी, निराला। बी में दिया गया एंडलेस। एंडलेस का मतलब होता है ला महदूद, ला मुतनाही, ना ख़त्म होने वाला। सी में दिया गया जी इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुतय्यन, गैर मुकर्रर, बेहद, वसी। और डी में हमें दिया गया जी वेग। वेग का मतलब होता है मुबहम, गैर वाज़े। जो इनफिनिट है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बी में दिया गया ऑप्शन एंडलेस बनेगा। इसके बाद जी लफ्ज़ है फेड। फेड का मतलब होता है सूखना, झड़ना, मुरझाना, मुरझा जाना, खुश्क होना, फीका पड़ना। ये सारे फेड के मानी बनते हैं। जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो ए में है जी सफ़र। सफ़र का मतलब होता है तकलीफ़ उठाना, अजियत उठाना, नुकसान उठाना। बी में हमें दिया गया फाल। फाल का मतलब होता है गिरना, गिरावट। सी में हमें दिया गया जी विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना। और डी में हमें दिया गया लूज़। लूज़ का मतलब होता है खोना। तो जो फेड है इसका जो सिनोनिम बनता है वो सी में दिया गया ऑप्शन विदर बनता है जी। उसके अलावा जी आगे लफ्ज़ है बॉक। बॉक का मतलब होता है चश्म पोशी करना, मानने से इनकार करना, रोकना। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए में है आइडेंटिफाई, इसका मतलब होता है पहचानना, शनाख्त करना। बी में हमें दिया गया प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। सी में हमें दिया गया जी इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। और डी में दिया गया वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है तस्दीक करना। लिहाजा जो बॉक है बॉक का जो सिनोनिम बनेगा वो बी में दिया गया ऑप्शन प्रिवेंट बनेगा। उसके बाद जी लव्स फेरी। फेरी का मतलब होता है कश्ती में सफ़र करना, कश्ती किराए पर चलाना, नकलो हमल, हरकत। ये फेरी के मानी है जी। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो है बारगेन, जिसका मतलब होता है सौदेबाजी। बी में हमें दिया गया सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, मुनअक़िद करना। सी जो है इसमें दिया गया ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है नकलो हमल, हरकत। और डी में हमें दिया गया जी ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है जानदार चीज़ का डूबना। तो जो फेरी है
इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सी में दिया गया ऑप्शन ट्रांसपोर्ट बनेगा। उसके बाद है लुक्वेशियस। लुक्वेशियस का मानी होता है गप्पी, बातूनी, फजूल गो, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए में दिया गया है जी सैड, जिसका मतलब होता है उदास। बी में दिया गया सीक्रेटिव, सीक्रेटिव का मतलब होता है पर्दापोश, राजदार, भेद छुपाने वाला, रतूबत का इखराज या जो करने वाला होता है इखराज कुनिंदा या एक रतूबत का पैदा कुनिंदा कह लें। सी में हमें ऑप्शन दिया गया जी क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है सुकून, आराम, खामोश। डी में दिया गया जी टॉकेटिव, इसका मतलब होता है बातूनी, ज़्यादा बातें करने वाला, गप्पी, फजूल गो। जो लुक्वेशियस है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो डी में दिया गया ऑप्शन आपका टॉकेटिव बनेगा जी। आगे चलते हैं जी, आगे लफ्ज़ है जी टीडियस। टीडियस का मतलब होता है ग्रां, बोझल, धीमा, थका देने वाला। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए में है जी पेनफुल, इसका मतलब होता है दर्दनाक, तकलीफ़ दे। बी में है ट्रबलसम, इसका मतलब भी तकलीफ़ दे, अजियत देने वाला। सी में हमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है लेंथी, लेंथी का मतलब होता है तवील, लंबा। डी में हमें दिया गया है जी टायरसम, टायरसम का मतलब होता है थका देने वाला। तो जो टीडियस है जी इसका जो सिनोनिम बनेगा वो डी में दिया गया ऑप्शन टायरसम बनेगा। आगे है सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब होता है कुंवारा, गैर शादीशुदा। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए में दिया गया सेंट यानी वली, बी में हमें दिया गया विडोअर, जिसका मतलब होता है रंडवा, बैचलर, इसका मतलब होता है कुंवारा। उसके बाद जो है सॉरी डी जो है इसमें दिया है टेटोलर, टीटोलर, टीटोटोटल, टीटोटलर। टीटोटलर जो होता है इसका जो मानी है वो होता है इज्तनाबी, परहेज़ करने वाला। जो सेलिब्रेट है जी इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सी में दिया गया ऑप्शन बैचलर बनेगा जी। आगे है जी डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किल्लत, कमी, जो चीज़ पहले ही कम मकदार में हो, कहत, तंगी, कमयाबी, नाकाफी। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए में है डिक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना, यानी जो चीज़ पहले मौजूद है उसको घटाना, उसमें कमी लाना। बी में हमें दिया गया है जी लॉस, जिसका मतलब होता है नुकसान, घाटा, खसारा। सी में हमें दिया गया है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कम करने का अमल, यानी जो पहले चीज़ मौजूद है उसको घटाना, उसमें कमी करना, रिड्यूस करना। और डी में हमें दिया गया स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किल्लत, नाकाफी, कमी, जो पहले से चीज़ कम मकदार में हो। तो जो डर्थ है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो डी में दिया गया ऑप्शन स्कार्सिटी बनेगा। आगे है जी लफ्ज़ एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है जाहिर करना, दिखावा, इनकशाफ, बेनकाब करना, फाश करना। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए में है जी ओपन, यानी खोलना या खुला हुआ होना। बी में दिया गया जी रिवील। रिवील का मतलब होता है इनकशाफ करना, अयां करना, बेनकाब करना, जाहिर करना। सी में है जी डिक्लेयर, जिसका मतलब होता है करार देना, बयान करना। और डी में हमें दिया गया जी कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। जो एक्सपोज है जी इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बी में दिया गया ऑप्शन रिवील बनेगा।
इसके बाद जी लफ्ज़ है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है फोहश, गैर अखलाकी, नाशाइस्ता, खिलाफ तहजीब। जो इसके हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में दिया गया है जी ऑब्जेक्शनेबल, जिसका मतलब होता है काबिल एतराज़। बी में दिया गया है जी इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब होता है खिलाफ तहजीब, नाशाइस्ता, गैर अखलाकी, गैर मयारी, फोहश। सी में हमें दिया गया जी डिसप्लीजिंग, डिसप्लीजिंग का मतलब होता है तकलीफ़ दे, नाखुशगवार, जो आपको अच्छा ना लगे। और डी में दिया गया जी कंडमेबल, कंडमेबल का मतलब होता है काबिल मुजम्मत, काबिल मलामत। जो ऑब्सीन है इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बी में दिया गया ऑप्शन इनडिसेंट बनेगा जी। उम्मीद है कि जी आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से नवाजा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी इनसे, इन जो लेक्चर्स हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम यही करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मुफीद वीडियोस मिलती रहे और आप इसी तरह से फ़ायदा हासिल करते रहें। अल्लाह ताला आप सबको आपके इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।